या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। शाह आलम है, इन्होंने ये पूछा था कि ये जो लॉटरी वगैरह होती है, जो सट्टा लगाना होता है, इसके कारोबार के अंदर नौकरी करना कैसा है कि जिसके अंदर हिसाब किताब लिखा जाए या रखा जाए, तो वो काम जायज़ है या नाजायज़। असल में ये काम भी जो है वो नाजायज़ और गुनाह का है, यानी हराम काम के अंदर मदद करना या उसके अंदर इन्वॉल्व होके नौकरी करना, ये दोनों सूरतें जो है वो नाजायज़ है। इससे आने वाली इनकम भी हराम है। तो अगर आप सट्टा नहीं भी लगाते हैं, लॉटरी नहीं भी इस तरीके का मामले में इन्वॉल्व है, लेकिन उनके सारी डिटेल लिखी जाती है या लॉटरी का नंबर वगैरह लिखना या उससे रिलेटेड काम करना उस महकमे के अंदर के जहां ये मामला होता है, या किसी पर्टिकुलर किसी शख्स के अंडर में काम करना, अगर कोई महकमा नहीं है कि कोई बंदे ऐसे होते हैं ग्रुप बना के कि जो इस तरीके की लॉटरी का सिस्टम करते हैं और अपने पास कोई एक लड़का रख लेते हैं लिखने के लिए, यानी एज अकाउंटेंट आप समझ लें कि लिखने के लिए वो रख लेते हैं कि वो लॉटरी का सारा मामला लिखता है नंबरों को या उसके अंदर जो भी डिटेल लिखने वाली होती है, काम पूरी तरीके से नाजायज़ और हराम होता है, यानी जुए वाला, और जुए के अंदर इन्वॉल्व होकर फिर उसकी डिटेल लिखना है उसके अंदर मदद करना, ये भी हराम है। और फिर इससे आने वाली इनकम भी, यानी जो जुए से जीती गई रकम है और रकम से अंदर फिर सैलरी या इसकी तनख्वाह वगैरह है, तो ये भी जो है वो नाजायज़ है, क्योंकि नाजायज़ काम पर मदद करने के बाद ये इनकम ली गई है। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।